बासप्पा दानप्पा जत्ती का जन्म 10 सितंबर 1912 को बीजापुर के सवालगी गांव में हुआ था। स्कूली पढ़ाई के बाद बासप्पा ने सिद्धेश्वरी हाई स्कूल से मैट्रिक और कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। वकालत करते हुए बीडी जत्ती ने देश की आजादी के साथ ही राजनीति में कदम रखा। जामखंडी रियासत के मुख्यमंत्री चुने गए। मुंबई में मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और बाद में मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला। इसके बाद वो पुदुचेरी के उपराज्यपाल और ओडिशा के राज्यपाल भी रहे। भारत की राजनीति के सबसे संवेदनशील दौर में वो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति बने। 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक वो इस पद पर रहे। देश के इतिहास में पहली गैर कांग्रेसी सरकार इसी दरमियान बनी। पद संभालते ही उन्होंने सदन में अपनी प्राथमिकता साफ साफ बता दी थी। संसद के निर्देशन में हमें अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करना है और देश के हर नागरिक को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाना है। बासप्पा दानप्पा जत्ती एक एक सांसद से व्यक्तिगत संपर्क रखते थे, लेकिन ये संपर्क कभी संचालन में निष्पक्षता के आड़े नहीं आए। 11 फरवरी 1977 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का अचानक निधन हो गया तो बीडी जत्ती ने करीब 5 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। कार्यकाल पूरा होने के बाद बीडी जत्ती अपने शहर बेंगलुरु चले गए। 7 जून 2002 को बासप्पा दानप्पा जत्ती ने हमेशा